कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सर्वहात धर्म हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद स्तोत्र सप्तश्री श्री श्रीनिवास भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजी प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु श्री वसुदेव नंदन रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए थे। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी आत्ममाय। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरा जन्म नहीं है, मैं अजय हूँ अजन्मा हूँ, लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ। फिर भगवान क्यों फिर जन्म लेते हैं? इसलिए भगवान गीता में दूसरे श्लोक में कहते हैं बोले जन्म कर्म च विदित्वम् एवं जह विदितत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम् नैति मामेति स्वार्जुन। बोले हे अर्जुन मेरा जो जन्म और जो कर्म है वो अप्राकृत दिव्य है। कोई कोई कहते हैं ना अरे हम भी जैसे जन्म दिए भगवान राम कृष्ण भी तैसे जन्म हो गए। बोले नहीं ठाकुर ऐसे जन्म नहीं हुए हैं। ठाकुर जी जन्म लेने से पहले भगवान पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं और उनकी पूर्व जन्म की सारी कथा सुनाते हैं। कह ठाकुर जी कहते हैं मैं अभी बच्चा बन जाऊंगा, मेरे को लेकर के गोकुल में छोड़ करके आना और वहां से लड़की को ले आना। जगत में ऐसे कोई व्यक्ति क्या है जन्म लेने से पहले चतुर्भुज दर्शन कराता है और पूर्व जन्म की कोई कथा सुनाता है क्या कोई? इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरे जन्म कर्म को अगर सही सही कोई जान ले तो शरीर छोड़ने का बाद कहीं ये जगत में दो बार उसने जन्म ही नहीं लेखा। बोला श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अभी प्रश्न है भगवान तो अजन्मा है फिर जगत में जन्म उन्होंने क्यों लिया? हमारे टीकाकारों ने बड़ी सुंदर सुंदर बात बताई, आज मैं सुनाऊंगा कल आपसे सुनूंगा। ठीक है ध्यान लगा करके सुनाऊंगा, जो मेरे को बोल देगा कल मैं इसको इनाम दूंगा। अच्छे तरह से सुना। पहला कारण है बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिरि भवति अद्भुतानव धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं अर्जुन बोले जब जब इस जगत में धर्म की हानि होने लग जाता है दुष्ट लोग पृथ्वी चलिए इनका एक कारण है। दूसरा कारण क्या है? बोले अनुग्रहाय भक्तानां मानुषी देहमाश्रित।
बोले मैं भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए आता हूँ। जैसे ठाकुर जी जन्म हुए तभी तक कल हम लोग ने नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अगर भगवान कृष्ण जन्म नहीं होते तो कल जो हमें धूमधाम से बड़ी सुंदर रूप में भगवान की जन्म महोत्सव मनाए, क्या भगवान की जन्म पर महोत्सव मनाते मनाते कि घर में बैठे रहते? आज हम भगवान की सुंदर सुंदर ठाकुर की कथा भी सुनेंगे, फिर ठाकुर जी की कथा नहीं सुन करके हम फिर दुनियादारी की बात सुनते फिर हमारी उद्धार नहीं होता। इसलिए ठाकुर जी सुंदर सुंदर लीलाओं को करके जीवों को शिक्षा प्रदान करते हैं, ये दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण बताए, जब देवकी वसुदेव को उन्होंने ठाकुर जी कारागार में दर्शन दिए, बोले हे देवकी वसुदेव, पूर्व जन्म में तुम दोनों ने प्रिश्नी और सुतपा दी, पेड़ से जो पत्ता गिरी जाता था उसको खा खा करके 10,000 साल तक तपस्या की, जब मैं दर्शन दिया बोले वर मांगो, बोले प्रभु आप जैसे मैं एक बेटा चाहता हूँ। भगवान बोले मेरे जैसे तो कोई होते नहीं, मैं असमर्थ करता हूँ, मेरे से बड़े की बात छोड़ दो, मेरे बराबर भी जगत में कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बेटा बन करके आ गया। इसलिए ठाकुर जी देवकी वसुदेव के ठाकुर जी बेटा बन करके आए और ठाकुर जी उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। बोले ये तीसरा कारण है। बोले चौथा कारण क्या है? बोले द्रोण और धरा, ये भी दोनों राजा और रानी थे, ये दोनों ने पितामह ब्रह्मा जी को उन्होंने आराधना की। जब ब्रह्मा जी दर्शन दिए कृपा करके बोले वर मांगो, बोले ठाकुर जी ब्रह्मा जी मैं चाहता हूँ जैसे एक स्वाभाविक रूप में एक बच्चा माँ की पेट से जन्म ले, मेरे गर्भ से मैं चाहता हूँ आप मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण करो और जैसे एक माँ पलना में झुलाते हैं बच्चे को और उस पर शासन करती है, डांटती है, डपटती है, मैं भी चाहता हूँ आप मेरे बच्चे बन करके आओ, मैं भी आपको ऐसे स्नेह और मैं आपको प्यार दूं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए ठाकुर जी नंद के लाला बन करके आए। पंचमा कारण बताए, जिस समय भगवान ने राम लक्ष्मण सीता वनवास में गए थे उसी समय में सुपर्णखा ने बड़ी सुंदर रूप धारण करके आ गई। भगवान राम से बोले मेरे से ब्याह कर लो, बोले भैया ऑलरेडी तो मेरी सीता है, बोले सीता में क्या रखा हुआ, हाथी हाथी कुछ है नहीं, देख मैं कितने सुंदर ही हूँ, मैं जितने सुंदर ही ठाकुर जी तेरे को भी इतने सुंदर बनाया, इसलिए मेरे से ब्याह कर ले। बोले भैया मैं तो सीता को छोड़ करके और किसी में शादी कर ही नहीं सकता हूँ। देखो ठाकुर जी हमें क्या सिखा देते हैं, जब हमारी शादी हो जाए ना, जब एक बार हमारी शादी हो जाए, नियम है अपना पत्नी को छोड़ करके और किसी तरह धर्म पूर्वक अपना पत्नी को साथ में अपना घर गृहस्थी बनानी चाहिए, ठाकुर जी यही शिक्षा हमें देते हैं। इतने में लक्ष्मण गया था जंगल में लकड़ी लेने के लिए, लक्ष्मण आए, बोले ये कौन है? बोले ये बोले अभी मैं देख रहा था तो बड़े भाई से कुछ बोल रही थी, बोले वो मेरे प्रेम को नहीं समझा, तुम मेरे प्रेम को समझोगे, तुम मेरे से ब्याह कर ले। बोले ये बताओ तुम रानी बनना चाहती हो ना दासी? बोले रानी? बोले मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, मेरे से शादी कर जाओगी, कहा रानी बनने की तू स्वप्न देख रहे, जा प्रभु राम के पास में जा। फिर राम के पास में आई, फिर राम ने इनकार कर दी, फिर तो सुपर्णखा को क्रोध आ गया, बोले तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं प्रार्थना करने वाली नहीं। प्रश्न होता है अगर भगवान राम शादी नहीं करते तो लक्ष्मण को दर ना कांग क्यों कट पाया? देखो ध्यान देकर सुनो, कि जो लक्ष्मण है ना ये गुरु है, बोले गुरु का काम किया, बोले शिष्य को उपयुक्त बना करके
भगवान की सेवा में लगाए। लक्ष्मण समझ गए सुपर्णा ने प्रभु राम को हृदय में बैठा चुकी पति रूप में, लेकिन भगवान कौन है? भाव ग्राही जनार्दन। जिस रूप में आप प्रार्थना करो ठाकुर समस्त इच्छा को पूरी करते हैं। बोले देख अभी तो राम की बन करके रहो, एक स्त्री जितने सुंदरी क्यों नहीं हो उसका नाक और कान काट दो, उसको साथी हो करेगा कोई? पता दुनिया में कोई इसको ब्याह करे? कभी यह पंचमा कार नहीं। बोले छठमा कार में क्या है? बोले जब भगवान बामन बन करके बलि महाराज के दरबार पर आए, ठाकुर जी बड़े सुंदर थे। अभी बलि महाराज का बेटी थी जिसका नाम थी रत्नमाला। अभी रत्नमाला प्रभु राम बामन देव को देख करके अपना बेटे रूप में प्रार्थना की, अगर मेरे घर में ये बेटे बन करके आते तो मैं इसको दिन रात में गोद में लेकर के मैं लाड लेता, इसको मैं प्यार करती। माता को स्वभाव है, अगर किसी छोटे बच्चे को देखे सुंदर बच्चे को क्या इच्छा करता है, इसको मैं गोद में लेकर के प्यार करती। भगवान बोले कोई बात नहीं बेटा बन ही जाऊंगा। लेकिन भगवान जब दो पग ब्रह्मांड को ले लिए, अभी तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं, तो उन्होंने वरुण पास में बांध दी। रत्नमाला सोच रही है कि तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिताजी ने सब कुछ अपहरण करके ले गया और फिर मेरे पिताजी को और उनको स्थान ठाकुर जी पान करते हैं और ठाकुर जी चरण में उसको स्थान दे दिया। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। छठमा कारण है, बोले भैया सप्तम कारण क्या है? जिस समय भगवान राम लक्ष्मण गए जनकपुरी में, राम लक्ष्मण बस विश्वामित्र जी से प्रार्थना की, बोले गुरु जी हमने सुना ये जनकपुरी बड़ा सुंदर है, थोड़ा आदेश दो, दोनों भैया थोड़ी सी जनकपुरी दर्शन करके आओ। विश्वामित्र बोले दर्शन करना नहीं, सबको दर्शन दे करके आ। जब श्री राम लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश किया, क्या सुंदर दो भैया जोड़ी, एक गौर रंग के एक श्याम रंग के, एक पीतांबर और एक नीलांबर पहने हुए, जो एक बार देख ले प्रभु को पूरा हल्ला मचा देता है। बोले श्री राम लक्ष्मण की जय हो। आप लोग कोई जयकार नहीं दे रहे, क्या चक्कर है? हमारे भक्त लोग भी जयकार दे रहे, जोर से बोलो बोले श्री राम लक्ष्मण की जय हो। अभी जो देखे हल्ला मचा दे, पूरा पूरा जनकपुरी उमड़ पड़े प्रभु राम लक्ष्मण को दर्शन करने के लिए। अभी जो झरोख से देख रही थी वो तो ठाकुर का दर्शन कर रही थी, लेकिन जो छत के ऊपर में खड़ी थी ना उनका दर्शन नहीं हो रहा था। बोले क्यों? बोले प्रभु राम का स्वभाव है वो कभी भी अपना पत्नी को छोड़ करके पराया स्त्री को ऊपर में कभी बुरी नजर नहीं डालते, हर माता को उन्होंने मां रूप में दर्शन करते थे, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए सार को नीचे करके प्रभु चल रहे थे। लेकिन जो छत के ऊपर में खड़ी हुई थी वो सोच रहे थे प्रभु थोड़ी सी ऊपर तरफ में देखे तो ठाकुर का दर्शन होगा। इतने में सखी और इतना खांसी, खांसी तो सोचो हो सकता है प्रभु थोड़ी सी ऊपर देखेंगे, लेकिन प्रभु देखे ही नहीं। पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे थे। लक्ष्मण कौन है? अरे बोलो लक्ष्मण कौन है? गुरु है। बोले गुरु का काम क्या है? बोले जीवात्मा को परमात्मा को साथ में मिलाए, ये गुरु का काम है। लक्ष्मण ने प्रार्थना की, बोले प्रभु देखो छत ऊपर में तुम्हारी सखियां तुम्हें दर्शन के लिए तरस रही हैं, थोड़ी सी उनको दर्शन दो। भगवान राम बोले लक्ष्मण ये जनकपुरी इधर उधर देखना नहीं, सीधा सर को नीचा करके चलो इधर उधर पर देखा करो, ये मायापुरी है। लेकिन तब भी प्रभु देखे ही नहीं। इतने में फिर जो सखिया थी वो भी फिर फांसी, प्रभु तब भी नहीं देखे। इतने में फिर लक्ष्मण प्रार्थना करते बोले प्रभु थोड़ी सी दर्शन करो, अपना सखियों को एक बार दर्शन दो। जब भगवान थोड़ी सी ऊपर देखे ना, प्रभु का रूप देख करके
जितने सखियां थी सबके सब बेहोश हो गए। जब उनको होश आई प्रभु राम को पीछे पड़ गए, बोले प्रभु शादी कर ले हमसे, हमसे ब्याह कर लो। भगवान राम बोले लक्ष्मण तेरे को मैं पहले से ही मना कर रहा था, इधर उधर मत दिखा करो, देखा है ना पीछे पड़ गए, बोले शादी कर, तू शादी कर ले। इतने में भगवान राम बोले कोई चिंता नहीं, तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ, फिर मैं तुम सबको साथ निराश करूंगा। इसलिए वो जितने सबके सब थी द्वापर युग में, ये सबके सब ये गोपी बन करके आए और हम भगवान कृष्ण सब की इच्छा पूरी की। देखो ध्यान देकर सुनो, ये कृष्ण ऐसे एक देवता हुए हैं, कृष्ण ऐसे एक देवता हुए हैं जिनकी इच्छा कोई भी पूरी नहीं की। किसने पूरी की है? हमारी बांके बिहारी पूरी की। कृष्ण इतने दयालु, इतने कृपालु हैं, इसलिए कारण क्या, बोले कारण है कि जो कृष्ण है ना, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान कृष्ण है, ये 16 कला में परिपूर्ण भगवान कृष्ण है, ये पूर्ण होने का नाते ये सब कुछ करने में ठाकुर जी समर्थ है। इसलिए उन्होंने सभी की इच्छा पूरी की, उबड़ी हो राक्षस हो, दुनिया में जिसको कोई भी स्वीकार नहीं करता है उसको कौन स्वीकार करता है? हमारे श्री बांके बिहारी स्वीकार किए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। इसके बहुत सारे कारण बताए, भगवान अजन्मा होते हुए भी ठाकुर जी का जन्म क्यों लेना पड़ा? देखो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में दर्शन किए। जब चतुर्भुज रूप में कैसे ठाकुर जी प्रकट हुए, कल हम मथुरा की कथा सुन रहे थे, आज हम लोग श्रवण करेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बन करके ठाकुर जी कैसे प्रकट होते हैं। इसलिए दो लाइन हम भजन सुन लेते हैं, आप लोग मेरे पीछे पीछे हाथ की ताली बजाते हुए थोड़ा कीर्तन करो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Thank you.
चलो हम गोकुल चलते हैं। ध्यान देकर सुना, बोले श्री नंद बाबा जी की जो पिताजी थे उनका नाम था परजन बाबा और उनको था पांच बेटे, बोले उपानंद, सुनंद, नंद, अभिनंद और नंदन। अभी पहले ये नियम होता था, बोले चार वर्ण और चार आश्रम है, बोले जो चार आश्रम है पहले लोग गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, अभी जैसे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, पहले 25 साल तक गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई करते थे। जब 25 साल बीत जाती थी तब उन्हें गुरु जी प्रश्न करते थे, बोले बेटा अभी बताओ अभी तुम्हारी क्या इच्छा है, अभी भजन करने की इच्छा ना घर गृहस्थी करने की इच्छा है। अभी जो व्यक्ति गुरुकुल में रह करके समस्त वेद पुराण इतिहास को पढ़ करके जिनको ये ज्ञान होता था ये जीवन 84 लाख जन्मों के बाद में मिलता है, ये जीवन विषय भोग करने के लिए नहीं ठाकुर ने दिया है, ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति की दरवाजा पर हम पहुंचे हैं 84 लाख जो भी भ्रमण करते करते। जिसको ये ज्ञान हो जाता था बोलते थे गुरु जी हमारी इच्छा है आपकी आश्रम में रह करके आपकी सेवा करते हुए ये जीवन को बिता देना चाहते, प्रभु को प्राप्त करना चाहते। लेकिन जिनकी अंदर में बहुत ही संसारिक इच्छा होती थी बगैर शादी के रह नहीं सकते हैं, गुरु जी बोलते थे बेटा जाओ घर में, जाओ घर में जा करके अपना वर्ण जाति अनुरूप शादी करो, ऐसे नहीं लव मैरिज करो, जहां पर इच्छा वहीं पर शादी करो, नहीं। हमारी संस्कृति क्या थी, पिता माता जहां पर शादी करा दे बच्चों को वहीं पर शादी करते थे। आप लोगों ने शादी किया हो, कौन कौन शादी किया, हाथ तो सब शादी किए ना, लेकिन आप लोगों ने जब शादी की पति को देखने के लिए गई थी, पति तुम्हें देखने के लिए आया था कभी, नहीं आया ना। पिता माता ने जहां पर देख करके बोल दिए तुम्हारी शादी करेंगे वहीं पर शादी कर लेते थे ना, और देखना सारा जीवन आनंद में बीत जाता। लेकिन अभी ऐसे नहीं होता, लड़की कैसे लड़का कैसे, कितना फूल ऊंचा, काली ना गोरी, कितने पढ़ाई लिखाई, इतने कुछ करने का बाद में भी शादी नहीं टिक रही है, तभी डाइवोर्स हो जाती है। इसलिए पहले नियम गुरुदेव बोलते थे बोल देख बेटा घर में जा, जा करके अपना वर्ण जाति के अनुरूप शादी करो और दोनों पति पत्नी धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी लिखाओ। इसलिए घर में क्या करो, शास्त्र में बताया गृहस्थ किसको कहते हैं, बोले गृहस्थ तो उसे कहते हैं बोले गृह उपस्थित राजन किया कुर्बन जथोचिता वासुदेव अर्पण सख्या उपासित महामुनि। देखो भागवत में जब पंच पांडव की शादी हो गई एक दिन नारद जी वहां पर आए, तब पंच पांडव नारद जी को चरण में बैठ गए, बोले गुरुदेव हम पांच पांच भाइयों का शादी हो चुका है, आप कृपा करके ये बताओ हम घर में रह करके कैसे ये गृहस्थ धर्म को जाजन करे और घर में रहते हुए हमें मुक्ति मिल जाए। तब नारद जी ये श्लोक कहते हैं बोले देखो धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन कर, अधर्म पूर्वक नहीं, झूठ बेईमानी करके पैसा नहीं कमानी है, धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन करो और दोनों पति पत्नी मिल करके ठाकुर को सेवा करो, दोनों मिल करके ठाकुर जी की सेवा करो। शादी क्यों करते हैं, कारण क्या, बोले कारण है जैसे पुरुष बाहर काम के लिए जाएगा, जब जाएगा घर में तो ठाकुर जी है, गोपाल जी ने तो राम जी, अभी इनके लिए रसोई कौन बनाएगा, ठाकुर जी को भोग कौन लगाएगा, ठाकुर जी के घर कोई घर नहीं, मंदिर है, इसको कौन रखवाली करेगा। इसलिए शादी करते हैं, इसलिए पत्नी का नाम है सहधर्मिणी, मतलब पति को धर्म में, कौन सा धर्म में, प्रभु की भक्ति धर्म में जो मदद करे, इसलिए सहधर्मिणी, मतलब दोनों मिलकर के ठाकुर जी की सेवा करो, भगवान की घर में सेवा करो। जिस घर में ठाकुर का कीर्तन पूजा भजन होना
वही घर ही वृंदावन, वही घर ही वृंदावन, वही घर है जिस घर में कीर्तन भजन पूजा पाठ हो। हैं, इसलिए गुरु जी कहते थे देख बेटा घर में जाओ दोनों पति पत्नी धर्म पूर्वक अपना ठाकुर को सेवा करते हुए जीवन को बिताओ। लेकिन कितने साल तक? बोले 50 साल, उसको बाद में नहीं। बल 50 ऊर्धे वनम व्रजत, 50 साल के बाद में वन वृंदावन जा, हैं घर में नहीं रहनी चाहिए, मना करता है। इसलिए देखो उसको बाद में अंक जो आता है एका वन बन मतलब घर में नहीं बन जाओ, चौर बन मतलब बन वृंदावन जाओ, अभी दोनों पति पत्नी वृंदावन जाओ और बान प्रस्थ जीवन को आचरण करते हुए दोनों भगवान की भक्ति करो और भगवान की भजन करो। इसलिए बन बन शब्द आता है। हाँ देखो, अगर वृंदावन नहीं जा सकते हो, अभी ये स्थिति ऐसे अगर नहीं वृंदावन नहीं जा सकते हो, अरे कम से कम घर में तो भजन करो ना, दिन भर टीवी खोल कर बैठ जाओ, बहू बेटी की बात करके सार बैठ करके दुनियादार की बात करके जीवन बिताओ, नहीं अपना घर में तो माला झोली लेकर के हरि नाम करो, कम से कम भजन करो। बोले कितने साल तक? बोले 75 साल तक, उसको बाद में फिर संन्यास कर दें। जब श्री परजन बाबा उनकी 50 साल हो गया, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों का शादी शुदा हो गया, एक दिन परजन बाबा 5 बच्चों को बुलाया। बोले देखो बच्चों, तुम बड़े हो गए हो, शादी शुदा हो गया है, संसार में तुम दोनों ठीक ठाक हो, अभी हम दोनों पति पत्नी चाहते हैं बाण प्रस्थ लेकर के दोनों सत्संग करें। जो काम के लिए भगवान हमें ये मानव शरीर दिया है, क्योंकि ये मानव शरीर नहीं मुक्ति के दरवाजा, हम दोनों जा करके प्रभु की भजन करके ये संसार से पार हो गए, क्योंकि भगवान ये जीवन बारंबार ठाकुर जी हमें नहीं देते। बोले जो सबसे जो बड़ा बेटा है, मैं चाहता हूँ उनको राज्याभिषेक करके मैं जाऊं। बड़ा बेटा ने कहा पिताजी, यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का योग्य मेरे में नहीं, राजा बनने का योग्य श्री नंद बाबा, इसलिए उनका नाम नंद। नंद मतलब क्या है? बोले आनंदयति इति नंद, जो सबको आनंद दे, इसलिए कहते ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया, जोर से बोलो। हाँ, मतलब नंद बाबा ने कृष्ण को जन्म दिया और हम लोग कृष्ण को भजन करके तभी तो आनंद हमको मिल रहा है, इसलिए उन्होंने श्री नंद बाबा को। क्या हो गया, लाइट आ गई? ए माइक लाए हो क्या? नहीं, सब जोर से बोलना मेरे को, क्या है? ए माइक नहीं ला। बोले गोविंद जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय भज गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय राधा रमण हरि, भज गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। बोले श्री नंद के लाला की, तब श्री परजन बाबा तेज कर दो, जो था तेज कर दो, तेज कर दो। जब परजन बाबा बाण प्रस्थ लेकर के जा रहे थे नंद बाबा को राज्याभिषेक करते हुए, 5 बेटों ने उन्होंने 5 प्रश्न किया है, तो ध्यान देकर सुनो क्या प्रश्न है। बोले पिताजी ये बताओ कि जगत में भय का कारण क्या है, हम क्यों संसार में भयभीत है, सब डरे हुए। बोले क्यों? बोले कारण है हमें आसक्ति होनी चाहिए भगवान में, लेकिन हमने भगवान में आसक्ति नहीं हो करके ये दुनिया में हमने आसक्ति कर ली, इसलिए डर है बेटा अलग नहीं हो जाए, पैसा चले नहीं जाए, पत्नी चले नहीं जाए,
भय का कारण है भगवान में आसक्ति को छोड़ करके हमने ये दुनिया में आसक्ति कर लिया। दूसरी प्रश्न है, बोले पिताजी ये जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले बच्चों ये जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। अगर ये जीवन पाकर किसने भगवत प्राप्ति कर लिया, समझो ये जीवन धारण करना हमारी सार्थकता हो गया, यही जीवन का लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं? जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। बच्चों का शादी कैसे हो जाए, नाती पोती हो जाए तो देख करके सैलरी छोड़े हैं, दुनिया का ये सब लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। एक लक्ष्य होनी चाहिए जीवन में, अगर भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति हो गया तो समझो ये जीवन हमारा धारण करना हमारी सार्थकता हो गई। तीसरा प्रश्न है, बोले पिताजी हमारी आश्रय कौन है संसार में, हमें कौन आश्रय देगा? बोले बच्चों आश्रय केवल संत ही है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। संत लोग ही हमें प्रभु की कथा सुना करके दिव्य ज्ञान प्रदान करके मुक्ति मार्ग दिखाने वाले कौन है? ये संत ही हमें रक्षा करने वाले। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए, उन्होंने सारे उत्तर दे करके परिजन बाबा और दोनों पति पत्नी बान प्रस्थ में चले गए। अभी चार बच्चों का तो संतान है, लेकिन केवल नंद बाबा का घर में पुत्र नहीं। नंद बाबा एक बेटे के लिए बहुत उन्होंने कोशिश की, बहुत कुछ किए, घर में एक लाला जन्म हो जाए क्योंकि भविष्य में राज सिंहासन को कौन संभालेगा, लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं हुआ। एक समय के बाद एक एकादशी आई जिसका नाम थी पुत्र एकादशी। ध्यान से सुनो सबके साथ, एक ही व्रत का नाम आता है एकादशी का, जिसको अम्बरीश महाराज करते थे, जिसको नंद जसोदा रखा करते थे, जिसको कृष्ण रुक्मिणी रखती थी, जिसको पंच पांडव रखते थे एकादशी व्रत को। इसलिए एकादशी व्रत को बताया कल्पतरु व्रत। कल्पतरु व्रत मतलब कल्पवृक्ष उसे कहते हैं जिसको नीचे बैठ करके जो मांगो वही मिलेगा। इसलिए एकादशी ऐसे एक एकादशी व्रत है, आप एकादशी व्रत करके जो कुछ आप मांगोगे आपको सब इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए देखो एक एकादशी का नाम पुत्र जिसको नंद जसोदा की और कृष्ण घर में जन्म लिए, जिनके घर में पुत्र संतान की जन्म नहीं है, अब ये पुत्र एकादशी घर में खूब पुत्र परिवार आए। एक एकादशी का नाम है इंदिरा। इंदिरा मतलब कहीं लक्ष्मी, जिनके घर में रुपया पैसा की कमी है, कहते वो इंदिरा एकादशी और घर में लक्ष्मी कृपा हो। एक एकादशी का नाम है अन्नदा, जिनके घर में अन्न शस्य की कमी है, अगर वो एकादशी व्रत कोई करे तो घर में अन्न शस्य खूब भरपूर आता है। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, मतलब जिसको करने से संसार से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। एक एकादशी का नाम है विजया, अगर वो एकादशी करोगे ना कभी तुम्हारी पराजय कहीं नहीं होगी, जहां जाओगे तुम्हारी विजय विजय होगी। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, ना कोई व्यक्ति साल साल से बिस्तर में पड़ा हुआ है, किसी तरह से प्राण नहीं जा रहा है, बड़ा कष्ट उठा रहा है, किसी ब्राह्मण को बुलाओ वो पूछो इनकी जल्दी जल्दी मुक्ति कैसे होगी, आप देखना क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? लिखा कोई एकादशी देते ही सारे पाप उसकी भरम हो जाते हैं। देखो मैं विदेश प्रचार करने जाता हूँ, एक समय में यूरोप गया था प्रचार करने के लिए, वहां को जो भारतीय लोग थे, एक व्यक्ति दो साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, बिस्तर में पड़ा हुआ, गला में प्राण अटक गया, शरीर में हड्डी हड्डी था, कुछ नहीं, इतने कष्ट पा रहा था। एक दिन उनको पता चला भारत से कोई साधु आए, तब मेरे को बुला करके हॉस्पिटल में ले गए। बोले बाबा पिताजी की सदगति कैसे होगा आप बताओ, किसी तरह से इनके प्राण नहीं जा रहा, बड़ा कष्ट पा रहे हैं, आप बताओ। मैंने कहा एक काम करो, पूरा परिवार के लोग एकादशी व्रत रखे, ये एकादशी व्रत करके इनको प्रदान कर दो। बोले अभी 10 दिन बाकी,
एक एक दिन तो बड़ा कठिन से बीत रहा है। मैंने कहा संकल्प करो, आज मैं शब्दार्थ में पानी दिया फूल दिया, बोले संकल्प करो हम पूरा का पूरा परिवार एकादशी व्रत करके फल देंगे। जब उन्होंने संकल्प किया है ना, मैंने वो हॉस्पिटल से जिनकी भक्तों के घर में जब मैं आया ना, फिर उनको फोन आया, बोले बाबा पिताजी की संतुष्टि हो गई, पिताजी की मुक्ति मिल गई। इसलिए एकादशी की इतने महिमा है, पुराण में बताया पृथ्वी में जितने सारे व्रत है सारे व्रत का तराजू का एक तरफ में धर दो, केवल एकादशी का फल एक तरफ में धर दो तो सारे व्रत मिलकर के एकादशी व्रत को सामने बराबर नहीं कर सकते। इतने महिमा ये एकादशी व्रत की, बोले श्री एकादशी व्रत की जय हो, जोर से बोलो बोले श्री एकादशी व्रत की जय हो। इतने महिमा एकादशी की, इसलिए भागवत में कोई और कोई बड़ा व्रत का नाम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का मन में शंका, बोले क्या शंका है, बोले ये एकादशी तो जो विधवा होती करती सतवा थोड़ी करती है। नहीं, भागवत पढ़कर देखो, मैया जसोदा क्या विधवा थी, जिसमें अंबर से महाराज की कथा आती है उनकी पत्नी क्या विधवा थी। सबसे जो बड़ी एकादशी है कौन सा एकादशी है, पांडवा निर्जला है, जिसको पांडव और कुंती द्रौपदी एक साथ में जो व्रत रखती है, क्या द्रौपदी विधवा थी। रुक्मिणी सत्यभामा ने ये एकादशी व्रत रखी थी, इसलिए अगले जीवन में कृष्ण की पटनाई बन करेगा है। इसलिए जो एकादशी व्रत करेगा ना वो भगवान की गोपी पटनाई बन करके जाओगे ठाकुर को भाग में, जो एकादशी व्रत करेगा। लेकिन और कुछ कुछ लोगों का भावना फिर इसका उद्यापना करना पड़ता है, नहीं भागवत में कोई उद्यापना का नाम नहीं है। नियम है 8 साल से लेकर के 80 साल तक एकादशी व्रत को रखनी चाहिए। इसलिए एकादशी का दिन अर्घ्य में गो हत्या, नर हत्या, गुरु हत्या, पिता माता हत्या और ब्रह्म हत्या, ये जो सबसे बड़े जो पाप 5 पाप है एकादशी का दिन अर्घ्य में आश्रय करके रहते हैं। जो व्यक्ति एकादशी का दिन अन्न भोजन करते हैं उनको सारे पाप उसको भुगतना पड़ेगा। सारे पाप से मुक्ति की बात बताई, लेकिन एकादशी का दिन जो व्यक्ति अन्न भोजन करते हैं तब इसकी कोई मुक्ति नहीं, कोई मुक्ति नहीं होती। इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत को आप लोग रखना। देखो कैसे नंद जसोदा एकादशी व्रत रखे, भगवान की पिता माता होकर के एकादशी व्रत से क्या होती है, बोले भगवान के चरण में प्रेम बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है। जो एकादशी व्रत नहीं करते हैं शास्त्र कहता है कभी भी प्रभु के चरण में भक्ति हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती प्रभु के चरण में, क्योंकि जो एकादशी भक्ति की माँ है। इसलिए जरूर आप लोग एकादशी व्रत रखो। एकादशी व्रत का दिन अन्न नहीं लेनी चाहिए, चावल नहीं गेहूं नहीं खानी चाहिए, दाल जाती हो कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। जैसे आप लोग अभी नवरात्र रखते हैं ना, जैसे फल फूल खा करके जैसे कुट्टू का पकौड़ी बनाकर खा सकते हो, और क्या दही दूध मिठाई जितने तरह का फल खाने के लिए कोई चिंता नहीं, खाने के लिए तो बहुत सारी चीज है, खाने के लिए बहुत सारी चीज। पुराण में कथा आती है, देखो एक समय 2 पति-पत्नी थे, सवेरे उठते ही पति पत्नी में लड़ाई लग गई। लड़ाई लग गई तो पति निकला, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, पत्नी बोली मैं बनाऊंगी तब तक तुम खाओगे, आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। सवेरे उठते ही लड़ाई शुरू कर दी, उनको पता नहीं था आज एकादशी व्रत है, पता ही नहीं था उनको। आप देख लेना घर में लड़ाई हो जाए ना 2-3 दिन तक एकादशी व्रत रहते रहती, लेकिन घर में लड़ाई हो जाए 2-3 दिन तक एकादशी व्रत रहती है। अभी लड़ाई हो गई, पता नहीं था एकादशी, जानते हो क्या फल हुआ, अनजान में एक एकादशी व्रत किए तो अगले जीवन में ये रुक्मांगद महारानी बनकर के जन्म होगी, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर राजा बनकर जन्म होगी और उनकी पत्नी उनकी रानी बनकर के जन्म होगी। एक एकादशी व्रत उन्होंने निर्जला कर दिया, लड़ाई झगड़ा करके एकादशी व्रत कर दिया तो इतना महिमा। इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत रखो। नियम है दूसरे दिन एक समय है, उस समय को अंतर में
अपना व्रत को खोल देनी चाहिए, अर्घ ग्रहण करके उसको खोल देनी चाहिए। इतने में श्री नंद यशोदा ने देखा, हमने बहुत हमने व्रत करके दे दिया, लेकिन अभी तक घर में हमारी बच्चा जन्म नहीं हुआ, चलो हम दोनों ये एकादशी व्रत करते हैं। तब दोनों ने ये निर्जला एकादशी व्रत किए। व्रत करके जब उन्होंने सोए रात को ब्रह्म मुहूर्त में दोनों पति पत्नी स्वप्न देखा। देखो ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई स्वप्न देखना वो कभी कभी सही होता है। बोले क्या स्वप्न देखा? बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयना बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फुटमसौ क्रीड़ांगमयाम लोक्यते। ये स्वप्न देखा और स्वप्न देखते ही दोनों पर आंख खुल गई। नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे मैंने बड़ा ही सुंदर स्वप्न देखा है। जसोदा बोले मैंने भी एक स्वप्न देखी, पहले आप बताओ क्या देखा। बोले मैंने देखा तेरे गोद में एक सुंदर बालक तुम्हारी स्तनपान कर रहा है। स्तनपान करते समय दोनों धार से दूध बहते बहते उसका कुर्ता दिख रहा है। मैया बोले मेरी स्वप्न सुन लो। बोले बताओ। बोले मैंने भी स्वप्न देखा, मेरे पीछे पीछे एक बालक पीछे पीछे आ रहा है कपड़ा खींच करके। बोले मैया मेरे को गोद में ले ले, मैया मेरे को दूध पिला दे। सचमुच से मैया उसी रात कोई स्वप्न गर्भधारण की। ए पूरा ब्रज में हला हो गया, नंद के लाला होने वाला है। बोले श्री नंद के लाला की आज जितने ब्रज की गोपियां थी छह छह महीना पहले चौरासी चौरासी गज की लहंगा चुंदरी बना करके बड़े सुंदर श्रृंगार है सोने चांदी की समस्त गहना बना करके रखे। बोले नंद के लाला होगा तो हम बधाई देने के लिए जाएगी। इतने में एक गोपी मैया से बोले मैया तुमने कुंवारी पड़े में जुड़वा खेले तो नहीं खा ली थी? बोले क्यों? बोले लगता है मेरे पेट में दो बच्चा है। हैं? एक गोपी बोली मैया लगता है तेरे गर्भ में लड़का होने वाला। बोले कैसे? बोले तेरे जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, मतलब तेरे गर्भ में बेटा होने वाले। अब देखना माताओं को गर्भ में जो बच्चा होना उनको चटपटी चीज अच्छी लगती है, हैं? जैसे नमकीन मीठा ये सब चीज अच्छी लगती है। मैया जसोदा बोली मेरे मन में तो इच्छा हो रही है खीर खाने के लिए, तो बड़े सुंदर खीर बनाए। श्री सालग्राम शिला को भोग लगाए, मैया को खीर पिलाए। आते को माता है, अब लोग ध्यान देकर सुना। एक होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब क्या? जब गर्भ में बच्चा हो उसी समय अगर आप रामायण पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, भागवत पढ़ोगे ना, बच्चा इतने अच्छा संस्कार बनकर आएगा जो सोच नहीं सकते। आप लोग रामायण देखे होंगे, जब मैया सीता गर्भ धारण की थी उसी समय अयोध्या में बड़े बड़े संत लोग आए, बड़ी सुंदर सत्संग हुई। भगवान राम कहते हैं देखो सीते, देखो कितने सुंदर संयोग है, अभी तुम गर्भ धारण की, बड़े बड़े संत लोग आए हैं, अगर तू सत्संग सुनोगे तो तुम्हारे बच्चे बड़े सत्संग प्यारे बन करके आएंगे, बड़े ज्ञानी बन करके आएंगे। बच्चा कौन हुआ? लव और कुश हुए। क्या विद्वान, क्या पराक्रम हुए। क्यों? गर्भ में बच्चे रहते समय सीता माता ने ये सत्संग सुनी। आप जो कुछ करोगे देखना बच्चों के ऊपर वही संस्कार पड़ेगा, वही संस्कार पड़ेगी। आप लोग देख लेना, कोई कोई बच्चा इतने उद्दंड होते हैं जो पिता माता की बातें नहीं सुनते, लेकिन कुछ कुछ बच्चे बड़े संस्कारी होते हैं। सवेरे उठे पिता माता की चरण छुएंगे, पिता माता की आदेश पालन करेंगे। बोले कारण क्या? बोले गर्भ संस्कार है। अगर गर्भ में बच्चा उल्टा पुल्टा फीलिंग देखोगे, झगड़ा करोगे, गंदी गंदी बात बोलोगे, बच्चा को ऊपर में सारे प्रभाव पड़ता है। इसलिए माताओं को ध्यान देनी चाहिए गर्भ में बच्चे रहते समय सावधान। अब महाभारत देखे होंगे, अभिमन्यु बोले मैं चक्रव्यूह भेद करूंगा। बोले तेरे को कैसे पता है? बोले माँ की पेट में रहते समय मेरे माता ने मेरे पिताजी को पूछा ये चक्रव्यूह क्या होता है, और जो मैंने चक्रव्यूह की बात सुनाई कैसे चक्रव्यूह को भेद करोगे, लेकिन वापस कैसे आओगे सुनाना था। इतने में द्रौपदी ने सुभद्रा देवी सो गई, सुनाया नहीं। बोले मैं वापस नहीं आ सकता। इतने बड़े महत्व है गर्भ संस्कार की। इसलिए मैया जसोदा को ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं।
ठाकुर की बड़ी सुंदर सुंदर फोटो दिखा दे, क्योंकि जो कुछ देखे बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लग रहा था जैसे आज रात को ही लाला की जन्म हो जाएगा। नंद बाबा का एक बहनी थी जिसका नाम थी सुनंदा, वो तो 6 महीना पहले से आकर घर में जप करके बैठी। बोले क्यों? बोले भाभी गर्भधारण की बुरी उम्र में मेरे को नवला की हार मिलेगी, इसी चक्कर में 6 महीना पहले आकर घर में जप कर बैठी गई और सारे घर का काम काज को कर रही थी। ऐसे लग रहा था आज रात कोई लाला की जन्म हो जाएगा। बोले एक काम करो, गांव में 8 बजे सो जाते हैं, 2 घंटा 2 घंटा ड्यूटी लगवा दो, 8 से 10 बजे तक जिनको ड्यूटी लगाई बोले ढोलकी और मजीरा लो कीर्तन करो। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोविंद जय जय जन्म दी थी वसुदेव महाराज। जो कृष्ण लाए थे वो अंश कृष्ण, गोकुल में जो कृष्ण वो पूर्ण कृष्ण मिलकर के एक हो गए, लेकिन ये बात वसुदेव को पता ही नहीं चला। इतने में सुनत अब यहाँ से बेटी को लेकर चली गई। सवेरे सवेरे सुनंदा की आंख खोली, बोले भैया भाभी का क्या हालत है, सबके सब सोए पड़े हुए। दरवाजा खोल करके देखा मैया की गोद में बड़ा सुंदर एक बालक किलकारी मारते हुए खेल रहा है। बोले भैया बालक का कब जन्म हो गया किसको पता ही नहीं पड़ा। इतने में उसने एक थाली लेकर के और उन्होंने क्या किया जोर जोर करके बजाए, बोले भैया जग जाओ नंद के लाला है ये हमें। फिर सभी को उन्होंने जगा दिया और जितने ब्रजवासी थे सबके सब जग गए। सुनंदा ने देखा भैया भैया कहाँ है, क्योंकि 6 महीना पहले से मैं आकर बैठ गया हूँ नवला हार की चक्कर में, भैया कहाँ पहले भैया को ढूंढो। ढूंढते ढूंढते देखा ब्रह्मांड घाट में नंद बाबा तो माला जप कर रहे थे, माला जप नहीं हो रहा था, सोच रहे थे घर में छोरा कब होएगा लाला कब होगा लाला कब होगा सोच रहे थे। इतने में सुनंदा जाकर के बोले भैया कमाल हो गया है। इतना बोलते ही नंद बाबा तो छलांग लगा दिए, बोले दहिनी कहा भयो बताओ पहले। बोले 6 महीना पहले से बैठी हूँ नवलाख लेने का चक्कर से। बोले ले नवलाख की हार तू ले ले। बोले और क्या दोगे? बोले दिया दे दिया ना नवलाख की हार दे दिया और क्या चाहिए। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है ना, बोले बताओ और क्या दोगे। बोले ले जमुना किनारा में जितने जमीन जगह थे तेरे नाम पर लिख दिया उसको तू ले ले। बोले और क्या दोगे? बोले दे दिया ना और क्या चाहिए। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है और क्या दोगे बोलो। बोले ले ट्रेजरी का सारी चाबी का टुकड़ा पकड़, जो इच्छा सो ले ले, लेकिन बता तो सही घर में कहाँ भयो है। बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है। आप कोई ताली नहीं बजा रहे थे जो सुझा। बोले श्री नंद के लाला की जय। नंद बाबा वहीं से दौड़ लगाए, इतना तपस्या कर रहे थे घर में लाला हो जाए, लेकिन जब पहला बार लाला का मुख दर्शन किया मन मन में संकल्प किया ब्राह्मण को संतों को 20 लाख गया मैं दान दूंगा।
सीन को सोने में बढ़वा करके, खूर को चांदी में बढ़वा करके और सात तीन के पर्वत में दान दूंगा। नंद बाबा ने साधु संत को बुलाए, ब्राह्मण को बुलाए, बोले इनकी आशीर्वाद से घर में ये बूढ़े उम्र में लाला का मुख दर्शन करने को मिलो, इसलिए पहले उनको बुला करके स्वस्ति वाचन करवाओ। स्वस्ति वाचन से आशीर्वाद दिया, नाई को भेज दिया, जाओ ब्रज में ढिंडरा पिटवा दो। नंद के लाला भयो है सबके सब बधाई देने के लिए आए। जितने ब्रजवासी हैं, 16 श्रृंगार द्वादश आभरण पहन करके, गोपियां तो एकदम सुंदर सज धज करके, कान में कुंडल, फूलों की माला से, हार से श्रृंगार करके, एकदम सर से लेकर पैर तक सोने चांदी की गहना, 84 गज के लहंगा, दूध दही मक्खन लेकर के लाला को बधाई देने आ रही थी। आते समय उनको कुंडल हिल रहा था। बोले क्यों? बोले तुम लोग पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो, हम पहुंच करके लाला को बधाई दे। जो चोटी में सुंदर फूलों की माला श्रृंगार करके रखी थी, वो एक एक फूल इनकी चरण में गिर रहा था। बोले क्यों? बोले जो लोग कृष्ण दर्शन करने जा रहे हैं, उनकी चरण की हमें पूजा करनी चाहिए हैं? इसलिए जितने गोपियां आकर के, जितने ब्रजवासी आकर के नंद जसोदा को बधाई दे रहे थे। देखो ध्यान दे कृष्ण, मैं बोलूंगा नंद जसोदा बधाई हो, आप लोग जोर से बोलना बधाई हो, बधाई हो, जोर से बोलना। बोले नंद जसोदा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। चलो हमारे भैया का आवाज, पीछे जो माताएं बैठे हुए चुप जा। अब जोर से बोला और एक बार जोर से, बोले नंद जसोदा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इतने में नंद जसोदा बोले बधाई हो ब्रजवासी, तुम लोगों का आशीर्वाद से ये बूढ़े उम्र में मेरे को लाला का मुख दर्शन करने को मिला है, ये तुम सबका आशीर्वाद है। ए जितने ब्रजवासी थे ना, हृदय से आशीर्वाद दे रहे थे। ब्रज युग मेरी जसोदा मैया तेरा ललना, युग युग मेरी जसोदा मैया माता को चरण छूना, जब उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है ना, बड़ा महत्व है। इसलिए नियम है सवेरे उठ करके अपना पिता माता और सास ससुर की चरण छूनी चाहिए। कौन कौन छूते हो? हाथ 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 उठाओ तो कौन कौन छूते हो? कोई नहीं छूते हो? एक भैया हाथ उठा रहे हैं। नहीं भैया, जरूर पिता माता के आशीर्वाद से फिर हम फलते फूलते रहेंगे। अगर अगर हम भी सास ससुर की चरण छुएंगे ना, हमारा बच्चे भी तो देख करके सीखेंगे। नहीं, हमारी माता जी अपना पिता माता की चरण छूती थी, तब तुमसे वही सीखेंगे, फिर वो भी तुम्हारी चरण छुएंगे। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप सीखेंगे क्या? कोई सीखेगा नहीं। और देखो ध्यान देकर के, जैसे मानो एक व्यक्ति की तीन बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? ध्यान देकर बहुत सुनो, तीन बच्चे हैं, सारे घर का सोना चांदी किसको पास में रहता है? सास को पास में रहती है ना। देखना जो बहू ज्यादा सास ससुर की सेवा करेगी, उस दिन बाद में फिर बंटवारा होगी सोने चांदी। जो ज्यादा सेवा करेगी ना सास, क्या करेगी? पहले उठा करके वो बहू को दे देगी, बोल दे अभी तो बंटवारा होगी, सबके बराबर होगी, लेकिन तुमने मेरी बड़ी सेवा की तो पहले इस पर करेगी कि नहीं? हाँ कि ना बोल? हाँ। इसलिए
भैया सास ससुर पिता माता के सेवा करने का बड़ा पुण्य है, पर पिता माता के आशीर्वाद भगवान राम तो इसलिए क्या करते थे भगवान राम कहते प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता। भगवान सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की चरण छूते हैं, चरण छूते थे क्योंकि आशीर्वाद से हम फलेंगे फूलेंगे। इसलिए यहाँ पर जितने ब्रज गोपियां कृष्ण को आशीर्वाद देने किया जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरी ललना सब आशीर्वाद दे रहे थे। आप देखना पिता माता की चरण छो गया होगा अपने आप उनका हाथ तुम्हारे सर पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं आएगा ना अपने आप आएगा। इसलिए सबके सब आशीर्वाद दे रहे थे। इतने में संपूर्ण प्रजा मंडल आए बधाई देने के लिए, सबके संत आ गए लेकिन दो व्यक्ति अभी तक नहीं आए। एक कीर्तिका सुंदरी और श्री वृषभानंद महाराज राधा रानी की पिता माता, कहती ये दोनों आ जाए ना फिर नंदो उत्सव प्रारंभ होगा। देखते देखते वो दोनों भी प्रवेश किया और कीर्तिका मैया अपना सर के ऊपर में दूध दही की मटकी लेकर के आई थी। इतने में एक गोप आया मटकी को डंडे से मारे, मारते ही मटकी तो फूट गई और दूध दही से वो गोपी स्नान कर ली। दही में हल्दी और घी मिला करके एक दूसरों को ऊपर लगा रही थी जिसको दधी का थी कहते हैं। मक्खन की ठेले पर ठेले उठा उठा करके एक दूसरों को ऊपर फेंक रहे थे। एक बड़ी बूढ़ी गोपियां थी जो 100 साल की डोगरी, वो आकर के देख रही थी एक भी दांत नहीं थी उसकी, ऐसे करके देख रहे थे। भैया बड़े जोर से नंद उत्सव हो रहा है। एक गोप ने उठाया मक्खन के ठेला, एक उठा करके उसको मुंह को लपका करके मार मारते उसको तो एक दांत थी नहीं, एक मुंह में लगा तो अंदर में सीधा सटल गया। बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं। बोले नंद बाबा इनके आंगन बहुत बड़ी आंगन, इतने दूध दही लाए थे पूरा आंगन आंगन भर गया। सबके सबके लोग कह रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। जितने गोप थे बोले बाबा आज तेरे घर में लाला भयो है, देख सारे ब्रजवासी नाच रहे हैं। भैया आज का दिन तुझा नाच चले पकड़ कर ले आए कहाँ, एकदम आंगन को बीच में दूध दही से भरा पड़ा हुआ था, लग रहा था जैसे कि खीर समुद्र प्रकट हो गया। बीच में ले आए नंद बाबा कमर में जो कटा बांध रखे थे, एक तरफ में नंदगांव के दूसरे तरफ में बरसाना गोप पकड़ लिए, मानो यह समुद्र मंथन खीर समुद्र मंथन होने जा रहा है। हमारे टीकाकार लोग बड़ी सुंदर वर्णना करते हैं। हम कल सुन रहे थे देवता दैत्य मिल करके लवण समुद्र का मंथन किया, सबसे पहले पीस निकला तो शंकर जी पान करके गले में कंठ में धारण किया, इसलिए शंकर जी का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव की। लेकिन यहाँ पर स्वयं आनंद कंद स्वयं भगवान कृष्ण सबसे पहले भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। वहां पर 14 रत्न निकला था और यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित रमा क्रीड़न अभूत कृप, यहाँ पर कितने रत्न नंद बाबा ने दान दी, ब्राह्मण लोगों को गठली बांध करके ले नहीं पा रहे थे और गठली की कोने से गिरते 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 हीरे जवाहरात जा रहा था। गली गलियों में मानक माँ लक्ष्मी नाच रही थी। वहां पर स्वयं शंकर जी आए थे। आप बताओ शंकर जी का वाहन कौन है? अरे बोलो शंकर जी का वाहन कौन है? नंदी। नंद बाबा ने 20 लाख गैया दान दिए, शंकर तो चक्कर में पड़ गए। बोले क्यों? बोले जहां पर 20 लाख गैया दान दे रहे हैं
हो ना हो गैया को दान देते देते अगर मेरे नंदी को अगर दान में दे देंगे तो नंदी मरी चली जाएगी, मेरे भैया किसको पीठ ऊपर बैठ भी जाऊंगा। इसलिए शंकर जी इसको आप पूछ को पकड़ कर खड़े हो गए। वहां पर माता पार्वती भी आई थी, पार्वती भी दो लाला है, कौन कौन है जोर जोर से बोलो, गणेश और कार्ती। उनको बेटा एक गजानन, गजानन है ना जिनका सर हाथी का सर है, हाथी घोड़ा पाल की उन्होंने इतने हाथी घोड़े दान दे रहे थे। बोले भैया अगर भूल से मेरे लाला को हाथी मान कर अगर दान दे देगी मेरे लाला तो चला जाएगा। भैया पार्वती तो गोद में लेकर चिपका कर खड़ी हुई थी। वहां पर स्वयं कुबेर आए थे, कुबेर कौन है स्वर्ग का सारे धन दौलत की जो खजना जिसके पास में। लेकिन आज नंद बाबा इतने दान दे रहे थे, कुबेर का सर भी नीचा हो गया। बोले ठाकुर मेरे को क्यों स्वर्ग का कुबेर बना दिए, आज नंद जसोदा इतने दान कर रहे हैं, मेरे घर में इतने धन दौलत नहीं। बोले भैया ब्रज में इतने धन दौलत कहां से आ गया। बोले कारण है जब भगवान कृष्ण जन्म हुए जो मूल लक्ष्मी से राधा रानी स्वयं राधा रानी प्रकट हो गई और उन्होंने आदेश दिया ऋषि सिद्धियों को आज इतने दान दक्षिणा दी जाए, दान दक्षिणा दी जाए, जब तक दुनिया रहे तब तक याद करते रहे मेरे प्रियतम की। जन्म उत्सव में कितने बड़ी उत्सव हुई है। बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, इसलिए सबके सब गा रहे थे जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी
गाना सुने थे कल भागवत कथा में श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा है। भागवत कथा में गिरिराज पूजा की बड़ी महत्व है, लेकिन ये बात के बिहारी किसकी पूजा, विश्व ब्रह्मांड बात के बिहारी को परिक्रमा करता है, लेकिन ये बात के बिहारी किसको परिक्रमा की, श्री गिरिराज गोवर्धन को परिक्रमा की। सारा दुनिया भगवान को सर पर उठाते हैं, लेकिन ठाकुर जी किसको धारण उठाए थे, श्री गिरिराज महाराज। आप लोग अगर गिरिराज गए होंगे देख लेना, वो गिरिराज शिला के ऊपर शिला रखा हुआ देखे हो, क्यों बोले जिसको जितने मंजिल मकान चाहिए वो गिरिराज शिला के ऊपर में जितने शिला रख लेना, ठाकुर जी उसको उतना मंजिल मकान दे देते। कल हम लोग गिरिराज की पूजा करेंगे, लेकिन आप लोग अपना घर से जो प्याज रसम बगैर प्याज रसम के, जैसे कोई बढ़िया सब्जी हो, नहीं तो पूरी हो, हलवा हो, नहीं तो तुम्हारी इधर जो बढ़िया चीज बनता है, अपना है अपना उत्तर के आना गिरिराज की पूजा तो तुम सब लोगों को मिलेगा, ठीक है। बोले गिरिराज महाराज की, ध्यान देकर सुनो। देखो हम लोगों ने 7 दिन तक कथा सुनाई, लेकिन नियम है कथा से कुछ लेकर के जानी चाहिए, ऐसे नहीं ये कथा का जो सार है उसको जीवन में उतारने के लिए, जो मैं सुनाऊंगा आपको ये भागवत का जो सार है, भागवत से हमें क्या लेकर के जानी चाहिए, ये कथा में ये शिक्षा है, ध्यान देकर सुनाओ। और ये कथा सुनाने का बाद फिर मैं आप सब लोगों से प्रश्न करूंगा आपने क्या कथा सुना, हो जाएगा वो समझ पाएगा ये जीवन का लक्ष्य क्या है, ठीक है, ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय कोई एक राजा था, कहते वो राजा के 4 रानियां थी, कितना रानियां थी जोर से बोलो, पीछे लोग तो सुन नहीं रहे लगता है। वो घूमने जाता था राज्य को घूमने, ये फल प्रभु जी थोड़ी सी ये कथा की बात करते हैं, ये फल को देख करके ना सब लोग खड़े होकर चले जाते हैं, तो पीछे फल मिल जाएगा थोड़ी देर बाद में, फल ध्यान देकर सुना। राजा की जो दूसरी जो इस राजा की जो तीसरी नंबर रानी थी वो बड़ा मीठा, इसलिए राजा जब अपना महल में आता था वो तीसरी नंबर रानी को पास में बैठ करके उसको मीठा मीठा बोली सुनकर खुश होता था, और अपना मन की बात और किसी रानी को नहीं, वो तीसरी नंबर रानी को अपना मन की उसको कभी नहीं पूछता था। वो बेचारी बड़ी दुखी रहता था, शादी करके लाया पूछता नहीं तेरे पास में है क्या, बड़ी दुखी रहती थी। आदि राजा का अंतिम समय आया, मतलब मृत्यु का समय आया, राजा ने देखा मेरे 4 रानियां हैं, ये रानियों को मैं प्रश्न करता हूँ कौन कहाँ तक हमारे साथ देती है। सबसे उनसे ज्यादा राजा जिसको प्रेम करता था, जिसकी चीज को देख देख कर उसको खुश रखता था, ये सबसे बड़ी रानी थी। राजा उससे पूछे रानी तुम मेरे साथ में चलोगी, सबसे ज्यादा तेरे को मैंने प्रेम की है। रानी बोली तेरे साथ में मैं एक कदम भी नहीं चलने वाली। बोले क्यों, तेरे को जब इतना प्रेम की जो मांगती थी, जोर से बोला हाँ, सबसे सुंदर सुना, सबसे जो सुंदर थी, राजा जिसको रथ को पास में बैठा करके दुनिया को दिखाया करता था, देखो ये रानी मेरी कितने सुंदर। राजा बोले तुम क्या करोगी साथ में चलोगी, बोले मैं चलूंगी कि अब मैं देख रहा हूँ तुम अब मरोगे, मैं दूसरे से तीसरी कौन थी, हाँ अभी हम लोग सब याद कर रहे हैं, जो बड़ा मीठा मीठा सब बोली बोलता नहीं थी, राजा जिसको बोली सुनकर बड़े खुश होता था। राजा सोचा उससे पूछूं, बोले रानी तू क्या करोगी चलोगी, ये थोड़ी सी अच्छी भी नहीं। बोले राजा साथ में है तुम भी बेकार हो। चौथी नंबर आई, चौथी नंबर कौन थी, कौन थी, राजा कभी जिसको कोई सम्मान नहीं दिया,
जब से राजा शादी करके लाए उसको एक घर की कोने में फेंक रखा था, कभी जिसको बेटा वो क्या करती नहीं करती, बोले रानी तू साथ में चलोगी? ए सुनते ही रानी रानी तो भड़क उठी, बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा जब से तुमने आए हो, कभी तुमने पूछा तेरे पास में साड़ी साबुन क्रीम तेल है कि नहीं, कभी तुमने पूछा मेरे को? जितने में तो कभी पूछा नहीं, मेरे तरफ ने देखा भी नहीं, अब मरने से पहले कह दो तो मेरे साथ में चलोगी? बोले रानी मैं तो तेरे को पूछना चाह नहीं रहा था, तेरे को खिलाऊंगी खाना। राजा तो आश्चर्य पड़ गया, जिनके लिए जिंदगी दिया कोई जाने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए कुछ भी नहीं किया वही जाने के लिए कथा है ना। ये जो कथा है ये हमारे जीवन की सही कथा है। अब इसका तात्पर्य जो समझो और कोशिश करो उसमें जो शिक्षा है ये शिक्षा को अपना जीवन में उतारने के लिए, अगर इसकी शिक्षा को नहीं वो राजा हमी है। तार तार रानियां कहते सबसे बड़ी रानी कौन है? अभी जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो जिस चीज की मांग करती है, हमको झूठ क्यों नहीं बोलना पड़े, बेईमानी क्यों करना नहीं पड़े, कुछ भी क्यों नहीं करना पड़ेगा जीवन में, किसको सबसे ज्यादा अंतिम समय में वो सबसे ज्यादा धोखे देने वाली होगी? कौन बोलेगा? हाथ बोलो, हाथ उठा, कौन बोलेगा? हाँ, किसको प्रेम करते हो? तुमने कहीं सुन लिया कथा? सुनी है ना? ये जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं। जगत में जगत में केवल स्वभाव, जो प्रेम दिख रहा है ना, इसलिए प्रेम दिख रहा है क्योंकि आपसे कुछ मिल रहा है। जैसे गन्ने से जूस निकालते हैं ना, देखो गन्ने से जूस कैसे निकालते हैं, एक बार दे करके जूस निकाल देंगे, बोले और थोड़ा जूस है, उसको डबल करके दो बार देना, इसलिए ये प्रेम दिखता है। इसलिए जगत में प्रेम नहीं है, केवल काम और स्वार्थ है। अभी प्रश्न होता है फिर जीवन में सबसे ज्यादा किसको हम प्रेम करते हैं? कहते हम अपनी आप को, हम इसी शरीर को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये शरीर को जो प्रेम करता है, शरीर को जो सुख देता है, वही हमारे इच्छाओं को पूरी करते हैं। लेकिन जब अंतिम समय में शरीर से पूछेंगे, शरीर साथ चलेगा? बोलो, शरीर साथ चलेगा? इसलिए कहते हैं जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़े रह जाएगा, इस शरीर से जो परमात्मा चले जाए, जिस शरीर को हम इतने प्यार करते हैं, ये शरीर ऐसा कमाना आपको तो पता होगा कितने कठिन है। पैसा रहेगा बढ़िया, बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया दुकान दुकान बनाएंगे, हैं? जैसे राजा दुनिया को दिखाता था, तब उन्हें पैसा से पूछे पैसा साथ में चलोगी? पैसा क्या उत्तर दिया? बोले मैं देख रहा हूँ तुम मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। मतलब क्या है? बेटे के जब पिताजी शरीर छोड़े ना, जिसकी ईसा में काम पड़ा था, वो डंडा लेकर के आ गया। बोले कोई भी पिताजी के शरीर में हाथ नहीं लगा सकता हो, पहले पिताजी का कापी को निकालो, कितने प्रॉपर्टी दुकान मकान पहले बंटवारा हो जाए, उसको बाद में फिर पिताजी को शरीर संस्कार। तो तुम जीवन में कमाओ जो अभी भी तेरे साथ में रहेगा और बाद में भी जाएगा, वो कौन सा धन है? इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भगवान के नाम था। अभी दूसरी पत्नी गई, दूसरे से शादी कर ली, अभी तीसरी पत्नी आई, राजा जिसकी मीठा भी चलो, बोले आगे, बोले ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तो आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन तेरे साथ में नहीं जाऊंगी। परिवार वालों से पूछे चलोगे? बोले क्यों नहीं, तेरे लिए अर्थी सजाएंगे, राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे। बोले कहाँ तक? बोले शमशान तक, और वही जला करके टा टा करके वापस चले आएंगे। बोले आगे नहीं जा सकते, अभी ध्यान दे कर खाना पिला खिलाया तेरे को खिलाऊंगी। कहते भैया चौथी नंबर कौन है जिसको जीवन में हम सबसे रखे, बेकार मान कर घर की कोने में फेंके, लेकिन जो अंतिम समय में हमारी काम में वही आई, बताओ तो वो कौन है? बोलो। कहते भगवान की भक्ति है,
भगवान की भजन है, भगवान के नाम है, सब बेकार काम है। लेकिन हम लोग तो हिंदू है, देख लेना जब शरीर छूट जाती है, जब चार ले जाते हैं, आप लोगों ने सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गद्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलते हैं ना। परिवार वाले शमशान तक जाएंगे और वहीं पर जल करके टाटा करते करते वापस चले आएंगे, आगे तेरे साथ में कुछ भी जाने वाले नहीं हैं। इसलिए सब कोई बात झूठा है, जगत में सब झूठा। सत्य क्या है, जितने राम का नाम जितने कृष्ण का नाम लिए अभी तेरे साथ में वही जा रहा कैसे हैं। फिर दूसरी लाइन में कहती हैं, बोले चोर ने कैसे धन है, जिसको पिताजी लूटेंगे ना, जिसको अगर पति अगर लूटेगा पत्नी नहीं ले सकती, जिसको पत्नी अगर लूटेगी पति नहीं ले सकता है, जिसको पिता अगर लूटेगा तो इसको बच्चे नहीं ले सकते हैं, जिसको बच्चे अगर लूटेगा तो इसको। जो हमारे घर में आपका भोजन है, महाप्रभु क्या बोले, बोले भैया सबको घर में मैं भोजन नहीं करता हूँ, बोले किसको घर में भोजन करोगे प्रभु, बोले जो लखपति होगा। उसी समय में लखपति मतलब है आज से 550 साल, बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी का नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। इसलिए मीरा कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, पर्णपति। यहाँ पर भगवान कहते कौन बनेगा लखपति, आप देख लो लखपति कैसे बनेंगे। आप सबके एक एक माला दूंगा, जो माला लेकर के हरिनाम करना चाहते हैं ना, सबके एक एक माला देकर के जाऊंगा। आप बताओ तो कौन कौन माला जप करोगे, हाथ उठाओ। कौन काम ऊपर से करते हैं ना, मन मन में करते हो, सब ऊपर से करते हैं। पहले ऊपर में करते हैं, प्रेम कैसे करते हैं, मन मन में करते हैं ना, ऊपर में करते हैं, हर चीज ऊपर से करते हैं। इसलिए इसका नाम माला। माला मतलब क्या है, मा मतलब होता है मन, अल्लाह मतलब होता है लाना, मतलब ये मन को विश्व की चार हाथ में देखोगे माला, ब्रह्मा की चार हाथ में देखोगे माला, इस सब के सब माला में करते हैं। क्यों, बोले मन को जो ठाकुर का चरण में दे दे, इसका नाम माला है। हाँ देखो कैसे लक्ष्मण व्रत, देखो जैसे ये माला है, देखो ये अंगुल को हम इसमें नहीं लगाते हैं, क्यों, ये गंदा अंगुल है, ये सबसे पहले निकलता है। हम कहते ना तेरे को हम देख लेंगे, और एक बार जोर करके बोले साहब, जो नहीं बोले बोले जोर से, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके उसमें एक मोती सरकाते हैं, पर दो बार बोलकर दो मोती सरकाते हैं, पर तीन बार बोलकर तीन मोती सरकाते हैं। देखो उनका स्वरूप है, ये एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपी है, ये बीच में राधा है। इसलिए यहाँ आकर के यहाँ पर भगवान को पार नहीं करनी चाहिए, इसलिए जैसे घुमा देनी चाहिए, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से फिर नाम करनी चाहिए। अगर हमने ऐसे 16 माला कर लिया ना, 16 माला वो होता है 25,000, आज कितना मिलेगा, अगर 1,00,000 आकर हरिनाम किया
ब्याज कितना मिलेगी, इसलिए मीरा बढ़ाता सवाल। आज अगर 1 लाख क्या है ना, कल तुमको 1.25 लाख मिलेगी। इतना इंटरेस्ट, इतने जल्दी इसका इंटरेस्ट बढ़ता है। और 4 दिन में कितना हो जाएगी, बोले 2 लाख। कितना हो जाएगी, 2 लाख है। इसलिए हमारे भारत में अंतिम समय में, इसलिए भारत में अंतिम समय में कहते भैया राम नाम सत्य है, गोपाल सत्य है, सत्य गोल गत्य है। मतलब क्या, अगर तुमने हरि नाम की तो तुम्हारी कोई गति नहीं, तो तुम्हारी कोई गति नहीं, फिर वही 84 लाख के जीवन में हमें जाना पड़ेगा। इसलिए भागवत का जो सार है ना, ये ठाकुर का नाम है। इसलिए जब समनम स्तम नमामि हरि परम, बोले भगवान की नाम संकीर्तन से कष्ट सब भगवान का नाम से दूर होगा। देखो इसमें जैसे हरे कृष्णा ध्यान देकर सुनो, हरे मतलब क्या है, हमारी जीवन का जितने दुख कष्ट जो हर जाए, समस्त दुख कष्ट जो हरण कर ले, इसलिए हरे। कृष्ण का मतलब क्यों आराम, बताओ जीवन में तो यही चाहते ना, हर दुख दूर जाए, मन को शांति मिले, जीवन में आराम मिले, यही तो चाहते ना, और क्या चाहते हैं। इसलिए भगवान के खुद कहते हैं यह हरि पे सर्व सिद्धि है वे सवाल, ये हरि नाम से तुमको सब कुछ जीवन में मिलेगा, सब कुछ शांति सुख में हरि नाम से मिलेगा। बोलो हनुमान, शांति सुख सब कुछ भगवान की नाम से मिलेगा, ठीक है। लेकिन माला एक एक ले जाना, एक एक माला देखो, हम माला दो तरह से देते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्याज लहसुन भी नहीं खाए, मांस मछली कोई नशा द्रव्य सेवन नहीं करता है, फिर हम तुलसी माला उसको देते हैं, गले में भी तुलसी की कंठी देते हैं। लेकिन जो बोलेगा हम धीरे धीरे सब चीज को छोड़े, नीम माला देते हैं, जिस माला में हम हरिनाम करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, करते करते धीरे धीरे हमारे समस्त दुख कष्ट पाप नष्ट हो जाती है, फिर उसको बाद में हम तुलसी माला देते हैं। एक होली सुन लो, उसके बाद में राधा रानी जन्म लेगी, और राधा रानी की जन्म कथा सुन करके प्रसाद लेके
हाँ बैठ जाओ, राधा रानी जन्म ले सब कैसे बैठ जो जहाँ पर वहीं पर बैठ जाओ। आप गोरीलाल जी भाई ये माइक तो है बोले आप ही प्रसन्न करके लाला की। हरे कृष्ण। जब भगवान कृष्ण जन्म हुए उस समय पूतना मासी आ गए। साधारण लोगों से सुनोगे जैसे वृंदावन में जाओ देखना वहां पर कोई कृष्ण का नाम नहीं लेते। हर जोर से बोला, पीछे वाले तो बोल ही नहीं रहे जोर से। सब वृंदावन में किसके नाम लेते हैं? राधा जी का नाम। इसलिए कुछ लोग प्रश्न करते हैं भैया आप इतने राधे राधे राधे